तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि आपका एसी है, ये वोल्टास कंपनी का एसी है। इसके बारे में आपको बताएंगे, जैसे आपका कन्वर्टिबल एसी है तो कन्वर्टिबल का मतलब यूज़ क्या होता है। जैसे आपका 1.5 टन का एसी है, आप उसको कन्वर्ट करके 1 टन में करना चाहते हैं या फिर उससे भी 1 टन से कम करना चाहते हैं, तो मतलब कैसे कर सकते हैं। हालांकि सारे एसी में आपका कन्वर्टिबल नहीं दिया रहता है, कुछ कुछ आपको सेलेक्टेड एसी है आप तो लगभग सारे एसी में आपका आता है, बट आपका पहले का एसी है तो आप उसमें मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते। हालांकि एक एसी जो मेरे यहाँ नीचे लगा हुआ है उसमें जो कि कन्वर्टिबल एसी नहीं है तो वो 1.5 टन का है तो उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये वोल्टास कंपनी का, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि वोल्टास आपको टाटा प्रोडक्ट का मिल जाता है, 5-स्टार रेटिंग में आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो आपको बताते हैं कि जो मतलब कन्वर्ट इसको कैसे करते हैं और कन्वर्ट करने का मतलब फ़ायदा क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं जो कि आपका एसी का रिमोट है, हालांकि ऊपर तो आपको और भी बटन बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बटन का क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है, पावर बटन, अप डाउन बटन। यहाँ पे एक आपका बटन नीचे में राइट साइड में जो कि एडजस्ट बटन का है, ठीक है। एडजस्ट बटन आप जैसे यहाँ से आप प्रेस करते हैं, हालांकि अभी 25 डिग्री दिखा रहा है, और अगर AD यानी आपका एडजस्ट लिख रहा है इसका एसी पे, आप देख सकते हैं एडजस्ट 10 है, यानी आपका 1.5 टन से ये आपका 1 टन का आपका हो चुका है, ठीक है। 1 टन फिर प्रेस करके फिर से आप एडजस्ट बटन प्रेस करिएगा तो 7 होगा, 0.7। यहाँ पे आप 0.7 देख सकते हैं, तो कि आपका 1 टन से भी नीचे आपका लोड इस पर चला गया, यानी आपका थोड़ा जो बिजली है वो कुछ आपका कम कंज्यूम करेगा। फिर जैसे आप एडजस्ट बटन प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 12 है, 12 आपकी अगर बात करें तो आपका 1.5 टन का ऐसी है, तो 1.5 टन आपका पूरा लोड लेके यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा सा आपको हवा में जो कि कम बेसी आपको समझ में आ सकती है, पूरा तो आपको बहुत माइनर आपको देखने में आएगा, बट जनरली आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत पास से अगर आप इसे आप नोटिस करिएगा तो आपको हो सकता है कुछ फील हो सके। फिर एडजस्ट बटन यहाँ से आप प्रेस करिएगा, 10 आएगा यहाँ पे, आप देख सकते 10 है, 10 का मतलब आपका 1 टन हुआ, और यहाँ एडजस्ट 0.7 का मतलब आपको 75 यानी 0.75 टन आपका यहाँ पे जो कि आपका है। इसका ये फायदा है, मान लीजिए आपका 1.5 टन का ऐसे 1 घंटा आपने चलाया तो आपका 1.5 यूनिट आपका कंज्यूम किया, अगर आप इसका 0.75 टन पे कर देते हैं आपका 1.5 यूनिट से आपका घट करके आपका 1 यूनिट तक आपका ये कंज्यूम करेगा। वैसे आपको बता दें अगर 1.5 टन का आपका एसी है, अगर आपका वाट 1500 वाट ले रहा है अगर 1 घंटे में, तो आपका जो एसी जो 1 घंटे में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा आपका 1.5 यूनिट आपका कंज्यूम करेगा। अगर आपका 1000 वाट कंज्यूम कर रहा है तो आपको बता दें जैसे 1 घंटा आप यूज़ करते हैं तो आपका 1 यूनिट, मतलब जितना वाट आपका रहेगा जितना घंटा आप करिएगा, सिंपल सा लॉजिक है आपका, उतना यूनिट कंज्यूम करता चला जाएगा। तो आपको बता दें अगर आप भी अगर कोई एसी वगैरह आप परचेस करना चाहते हैं तो आपको कन्वर्टिबल एसी लीजिए, तो आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट रहेगा। अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा भीड़ नहीं है आपके रूम में या फिर आपका रूम छोटा है, तो आप 1.5 टन से कन्वर्ट करके आप तुरंत आपका 0.5 टन या फिर 1 टन भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और इसमें बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एसी पहले से बंद था जो कि आपका, अभी तो खैर ये मेरा चल रहा है, अगर आपका पहले से एसी बंद है और आप चाहते हैं कि जस्ट जैसे हम यहाँ पे एनसीबी हम जैसे यहाँ से ऑन करें आपका तुरंत जो है, जो कंप्रेसर क्या होता है कि आपका 2 से 3 मिनट लेता है कंप्रेसर उठाने में, तब आपका यहाँ से ठंडा हवा आने शुरू होता है। बट आप चाहते कि नहीं मैंने जस्ट आपका एनसीबी उठाया और तुरंत कंप्रेसर चालू हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपके रिमोट में एक बटन होता है टर्बो करके, टर्बो या फिर यहाँ किसी किसी में हाईकूल देता है, अगर LG का आपका है तो हाईकूल देता है, अगर टर्बो आप दबाते हैं तो जैसे आप MCB अप करिएगा तुरंत टर्बो अगर बटन प्रेस करते हैं ऑन करके AC, अगर आप टर्बो बटन प्रेस करते हैं तो तुरंत आपका कंप्रेसर उठा लेगा, और अब अगर आपका बहुत ज़्यादा दूर कंप्रेसर नहीं है तो आपका तुरंत मतलब ठंडा हवा देने लगेगा। अगर आपका कंप्रेसर मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर पे है, यानी आपका नीचे है और 2 तल्ले पे आपका कंप्रेसर रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि पाइप में जो गैस है आते आते मतलब कुछ सेकंड आपको लगते हैं जो कि यहाँ से ठंडा हवा आपका आने लगता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस था कि आपको कन्वर्टेबल एसी को कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसका बेनिफिट्स क्या होता है जो कि आपका बिजली बिल कम खाता है। तो आज की वीडियो में बस यही था, आपको और भी एसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वगैरह करना है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन करिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से जाकर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।